नसरुल्ला की मौत के बाद इसराइल पर हुए 35 मिसाइली हमले जी हाँ नसरुल्ला की मौत का बदला आखिर कौन लेना चाह रहा है अब लेबनान के बाद इसराइल का निशाना किस पर है जो अभी लग नहीं पा रहा है क्या है वर्तमान स्थिति इस पर पूरी विस्तार पूर्वक देंगे जानकारी नमस्कार मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वीडियो में न्यूज एटीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे इसराइल के हमले में मारे गए नसरुल्ला के बाद जराइल में बज रहे सायरन की आखिर क्यों 35 मिसाइलों ने पूरे इसराइल को थर्रा कर रख दिया और कौन है इसके पीछे बताएंगे आपको लेकिन इस वक्त इसराइल के निशाने पर लेबनान के बाद अब यमन है यमन में हुए हमले के बाद हूथी विद्रोहियों के अंदर हाहाकार मची हुई है क्योंकि हूथी विद्रोही नसरल्ला की मौत का बदला लेने वाले थे इस तरह की खबरें चल रही थी और इसराइल की सेना ने हमला किया और हवाई हमले हुए हैं या रॉकेट से हमला हुआ है इस पर बताएंगे पूरी जानकारी आपको देंगे चूँकि अभी जो जानकारी मिल रही है इसमें बताया ये जा रहा है कि इसराइल ने यमन के होदेदाही पे हमला किया होदेईदाह एक बंदरगाह है जहां पर हथियारों का भी आदान प्रदान होता है और यमन इस बंदरगाह का इस्तेमाल अक्सर हथियारों को लाने और ले जाने के लिए किया करता था चूंकि जानकारी यह मिल रही है कि इन हमलों में सैकड़ों की संख्या में हुती विद्रोहियों की मौत हुई है लेबनान में हिजबुल्ला के नेता हसन नसरुल्ला की मौत के बाद यह हमला किया गया था और यमन में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है हुती विद्रोहियों को छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही है लेकिन इसराइल हुतियों के खिलाफ इतना आक्रामक आखिर क्यों है कारण है नसरुल्लाह की मौत नसरल्ला की मौत के बाद से लगातार इसराइल को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसके दुश्मन हैं और इन दुश्मनों ने यदि एक साथ हाथ मिलाकर एक साथ आकर हमला कर दिया तो क्या होगा अब इसके पीछे का जो मैथड है जो कहानियाँ वो समझने की कोशिश करते हैं दरअसल ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं या जो हमले हो रहे हैं ये युद्ध के तौर पर नहीं हो रहे हैं ये प्रॉक्सी वॉर है एक छद्म युद्ध है जिसमें खुले तौर पर दो राज्य तो दो राष्ट्र तो सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन कुछ एक संगठन कुछ सैन्य शक्तियाँ कुछ अधिकारी ज़रूर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हालांकि नेतन्याहू ने खुले तौर पर इसे युद्ध ही कहा है लेकिन ये आधिकारिक तौर पर युद्ध नहीं है जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि हूती विद्रोह इस बंदरगाह का इस्तेमाल जहाँ पर हमला किया गया जिसे होदेदाई कहा जाता है और उस होदेदाही बंदरगाह का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता रहा है और बम्बारी इस बंदरगाह पर इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि यहाँ पर यदि हथियारों का आदान प्रदान होता रहा तो इसी तरह से इसराइल में सायरन बजते रहेंगे चाहे फिर वो हिजबुल्ला के लड़ाके करें चाहे फिर वो हूती विद्रोही करें हमले में अभी जो जानकारी मिल रही है इसराइल पर कम से कम पैंतीस से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया गया और इस वक्त इसराइल में भी इस बात को लेकर भय है कि कहीं नसर की मौत के बाद इस आक्रोश में हूती विद्रोही को वो ट्रिगर ना मिल जाए जो इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला करने की प्लानिंग करने के लिए उन्हें उकसाए हालांकि आपको बता दें कि इसराइल ने 1800 किलोमीटर दूर इसराइल से ये जगह अठारह किलोमीटर दूर है जो कि होदेदाह नाम से बंदरगाह है और इतनी दूर सटीक निशाना लगाने वाली ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं वो भी आपको बताएंगे दरअसल ऐसा इसलिए हो पाए क्योंकि इसराइल के पास कई ऐसी मिसाइल हैं जो कई हज़ार किलोमीटर दूर कई सौ किलोमीटर दूर पिन पॉइंटेड टारगेट पर हमला करने में सक्षम है जिसमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में माहिर इन मिसाइलों का इस्तेमाल होदईदाह बंदरगाह पर भी किया गया और फिर लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया गया ज़्यादा हमले लड़ाकू विमानों से हुए या फिर ये मिसाइल ने ज़्यादा नुकसान पहुँचा हालाँकि इस बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन अभी ये लड़ाई आगे इसी तरह से जारी रह सकती है चूँकि इससे पहले भी लड़ाकू विमानों के जरिए यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमले होते रहे हैं और होती विद्रोहियों पर अब पूरी तरह से आक्रोशित इसराइल की सेना लगातार हमले कर रही है और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही थी कि लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्ला के कमांडर की मौत हुई उस हमले में उसके साथ कई और लड़ाकों को भी मार गिराया गया लेकिन इस बारे में लेबनान की सेना का भी ये कहना है कि ये देश का और पूरे देशवासियों के लिए ये एक बुरा दौर है और ख़ास करके सेना के लिए और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें नसरुल्ला की मौत के बाद लेबनन की सेना ने अपने पहले बयान में इस बात का जिक्र किया था और बताया था कि कम से कम एक लोग जब नसरुल्ला की हत्या की गई उस दौरान हुए हमले में मारे गए हैं और अब देखना होगा कि हूतियों का आखिर क्या हाल इसराइल करता है और इसराइल पर हो रहे हमलों का आखिर क्या जवाब इसराइल द्वारा दिया जाता है और इस हमले में किसकी जीत होती है किसकी हार लेकिन ये तो तय है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त थदक रहा है और आग की लपटों में घिरा हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यदि हो रहा है तो वो चाहे लेबनान चाहे यमन चाहे इसराइल के बच्चों का हो रहा है नौनिहालों का हो रहा है इस युद्ध इस छद्म वार में आखिर किसका हो रहा है ज़्यादा नुकसान और इसका आगे क्या होगा परिणाम इस बारे में एक और विस्तार पूर्वक वीडियो हम बनाएंगे बात करेंगे आपसे लेकिन इस बीच अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है इस वीडियो को लेकर और इसराइल पर हो रहे हमलों और उसके पलटवार को लेकर नसरल्ला के जो ज़िम्मेदारी है अब उसके भाई जिस तरह से निभाएंगे नए कमांडर होंगे हिजबुल्ला के उनके द्वारा क्या आगे कदम उठाए जाते हैं क्या रणनीति उन्हें बनानी चाहिए और इस पूरी अशांति को इस आग के लपटों को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में रहेगा आपका वेलकम इस वीडियो में फिलहाल इतना